श्री कृष्ण फ्रेंड, आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह सिंपल सी और बहुत ही सुंदर माला जी बनाएंगे। मैंने इसमें छोटा और बड़ा दो स्टेप बनाया है, आप एक भी बना सकते हैं। और मैंने इसके मैचिंग के एक कुंडल बनाए हैं, बिल्कुल ही बनाने में आसान है। अगर आप ऐसे कुंडल बनाना चाहें तो आगे मेरी कई सारी माला जी में अलग अलग डिजाइन के कुंडल है, आप उसे देख कर बना सकते हैं। तो चलो हम इस तरह माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें व्हाइट और गोल्डन यूज किया है, आप चाहे तो इसमें आपके पसंद के कोई और दो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माला जी बनाने के लिए मैंने इस तरह व्हाइट मोती लिए है, ये जेगो मोती है और जीरो साइज के है। और मैंने ये गोल्डन पारी ली है, ये जो प्लास्टिक में आती है वो है, और इसकी जगह आप गोल्डन मोती या मेटल जो पारी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जिस साइज का मोती लिया है उसी साइज की पारी ली है। और मैंने एक लंबगोल मोती लिया है, ये पेंडल में लटकन के लिए लिया है। तो चलो हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इस तरह एक वाइट गोल्डन और वाइट गोल्डन और वाइट, टोटल हमें छः मोती लेने हैं। और फिर हमें यहाँ एक गांठ लगा लेनी है इस तरह, हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, दोनों इस तरह सीधी लाइन में आ जाए, वैसे ही हल्का खींचना है। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है माला जी। और फिर हमें ये वाइट गोल्डन और वाइट तीनों मोती में से नीडल लेनी है। और फिर आगे के भी तीनों मोती में से ले लेंगे। और फिर से इसी तरह एक वाइट, एक गोल्डन और वाइट मोती लेना है सामने से निडल। और फिर उसी तीन मोती में से रिटर्न इस तरह। फिर इसी तरह हम लेंगे वाइट गोल्डन और वाइट, आप चाहे तो आपके पसंद का इसमें कोई और कलर भी ले सकते हैं। हमें दोनों साइड सेम कलर रखना है और बीच में अलग इस तरह। फिर से वाइट गोल्डन और वाइट और सामने से नीडल। और फिर ये तीनों मोती में से रिटर्न। तो इसी तरह हम सेंटर तक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये सेंटर तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने लास्ट में ये तीन मोती लेकर यहाँ से नीडल ली और फिर रिटर्न हमें सिर्फ दो मोती में से लेनी है, वाइट और गोल्डन मोती में से। और फिर हमें तीन गोल्डन मोती लेने हैं और ये गोल्डन मोती है उसमें सामने से नीडल इस तरह। और फिर यहाँ से नीडल और यहाँ से नीडल, यहाँ हमें सेंटर तक आना है। और अब हमें फिर बीच में पेंडल बनाना है। तो हमें पहले तीन वाइट मोती लेने हैं, एक गोल्डन और एक वाइट मोती लेने हैं। और फिर हमें ये जो पहला वाला वाइट मोती है उसे छोड़ के आगे के वाइट मोती में से नीडल लेंगे। और फिर ये तीनों मोती में से लेंगे। इस तरह
यहाँ से हमारा ये पेंडल बनेगा। फिर हमें दोनों साइड वाइट ही रखना है और बीच में एक एक गोल्डन ज़्यादा लेना है। पहले हमने एक लिया था तो अब हम एक वाइट, दो गोल्डन और एक वाइट मोती लेंगे और ये तीनों मोती में से नीडल लेंगे सामने से। इस तरह और फिर हमें ये चारों मोती में से रिटर्न लेनी है नीडल जो हमने ली आई, एक वाइट, दो गोल्डन और एक वाइट मोती। चारों मोती में से रिटर्न हमें धागा ज़्यादा नहीं खींचना है वरना हमारी ये लाइन एक दूजे के ऊपर आ जाएगी, तो ये बात का आप ध्यान रखना। और फिर हमें एक वाइट, तीन गोल्डन और एक वाइट लेना है। आगे हमने दो गोल्डन लिया था तो अब हम यहाँ तीन लेंगे। फिर सभी मोती में से रिटर्न। तो इसी तरह हम चार और पांच मोती तक ले लेते हैं गोल्डन। तो हमने ये चार मोती ले लिए हैं। अब हमें एक वाइट, तीन गोल्डन, एक लम गोल मोती और एक वाइट मोती लेना है। और हम आगे का ये वाइट मोती छोड़ के ये लम गोल मोती में से नीडल ले लेंगे इस तरह। और फिर से हमें तीन गोल्डन मोती और एक वाइट मोती लेना है। तीन गोल्डन, एक वाइट और ये आगे के सभी मोती में से नीडल। इस तरह तो ये हमारा पेंडल रेडी हो जाएगा। इसे फिर हम साइड में इसे धागे में से निकलते जाएंगे। और फिर यहाँ ये तीनों मोती में से लेंगे। और फिर ये जो पहला वाला मोती है उसमें से तो इस तरह हमारा ये पेंडल रेडी हो जाएगा। तो अब हमें आगे इस तरह सामने वाले साइड में कंप्लीट करना है। तो पहले हमें एक वाइट लेना है और फिर चार गोल्डन मोती लेना है। और जो हमारा ये पहला वाला गोल्डन मोती है उसमें सामने से नीडल। और फिर ये बीच के मोती में से नीडल। और अब हमें दो वाइट, एक गोल्डन और दो वाइट मोती लेने हैं और ये जो सेंटर का है उसमें से सामने से। और फिर हमें दोनों वाइट और एक गोल्डन और एक वाइट में से नीडल लेंगे। तो इस तरह हमारा दोनों साइड तीन तीन मोती हो जाएगा। अब पहले जैसे आगे हमने कंप्लीट किया वैसे हमें कंप्लीट करनी है पूरी लाइन, एक वाइट, एक गोल्डन और एक वाइट मोती लेकर और ये तीनों मोती में से। और फिर रिटर्न।
फिर से एक वाइट, एक गोल्डन और वाइट, और सामने से नीडल। तो इसी तरह हमें लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है और हम गांठ लगा कर धागा कट कर लेंगे। तो चलो हम यहाँ भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मोती हमने यहाँ लिया वैसे ही इतना मोती यहाँ तक ले लेते हैं। हमने यहाँ 13 तक कंप्लीट किया है, तो इस तरफ भी हम यहाँ से 13 मोती तक ले लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह मैंने दोनों साइड सेम कर ली है और गांठ लगा कर धागा कट कर लिया है। तो ये हमारी माला जी बन के रेडी हो गई है। तो इसी पैटर्न में मैंने ये दूसरा स्टेप भी बनाया है। इसमें मैंने 13 मोती लिए थे गोल्डन, और इसमें मैंने 16 मोती लिया है, यानी हमारी एक छोटी और एक बड़ी माला जी हो जाए। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।